सबसे पहले हमने पैन में एक बेसन लिया है, उसे हमने अच्छे से भून लेना है हल्की आंच पे। हल्की आंच से भूनेंगे इतना कि इसमें से हल्की खुशबू आने लग जाए, ठंडा होने लग देंगे। प्याज डाले हैं 4 से 5 कटे हुए और इसमें हम तकरीबन 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे हल्की आंच पर हम गलने के लिए रख देंगे कवर करके। अदरक डाल दिया है, हरी मिर्ची तकरीबन कितनी है? 6 से 7। 6 से 7 हरी मिर्चें, साथ ही इसके हमने सारा कुछ निकाला। दरमियाने साइज के 2 से 3 प्याज, 2 से 3 प्याज हैं कटे हुए और ये इसको हमने कीमे के साथ ही निकाला। अब जो है हमारा कीमा हो चुका है मशीन से निकल, अब हम इसमें नमक मिर्च डालेंगे। ये मिर्च लाल मिर्च है, कुटी हुई नहीं, पीसी हुई, पीसी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच नमक, तो इसमें जरूरत कहते हैं सूखा धनिया डाला, ये हमने 1.5 चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच नमक बस और गरम, अब ये इसमें डाला है गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। अब ये डाला है जनाब चाइनीज सॉल्ट 1/2 टीस्पून, तब जाएगा चम्मच। अब इसमें डालना है हमने 1 अंडा और इसमें डाल रहे हैं हम बेसन जो हमने भूना था, इसे हमने अच्छे से ब्राउन किया, इसे मिक्स कर लेना है। कितनी कितनी अम्मी बनानी है? छोटी ज़्यादा बड़ी, ये फूलते भी हैं, फूलते हैं, अंडा डाला हुआ, अंडा डाला हुआ है तो ये फूल जाएंगे, नहीं बस। सही है। वो छोटे भी नहीं कर रहे हैं ना, मीडियम साइज के हो गया। अब इसमें क्या डाले? हल्दी कितनी? आधा चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच हल्दी और इसमें हम नमक डाल रहे हैं 1 चम्मच, 1 चम्मच सूखा धनिया 1 चम्मच और ये लाल मिर्च पिसी हुई, ये तो एक बड़ा वाला चम्मच है ना, ये पूरा चम्मच खाने वाला जो होता है टेबल स्पून। ये मसाले डालने के बाद इसमें हमने डाला है ऑयल, नहीं ऑयल नहीं डालना, अभी लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं 2 चाय के चम्मच है तकरीबन। अब इसमें ऑयल डाला है तकरीबन 1 कप और इसे हमने फ्राई करना है अच्छे से। अब ये डाली हैं मिर्चें हरी, 3 से 4 हरी मिर्चें काट के, तो इसे अम्मी हमने कितनी देर फ्राई करना है? अच्छी तरह जितनी देर ये प्याज करना हो अच्छे से, कितनी देर फ्राई करना, जितनी देर ये प्याज जो है हमारे अच्छे से मिक्स ना हो जाए, इसमें मिक्स हो जाएंगे उसके बाद टमाटर डालें, उसके बाद फिर टमाटर डालें, पहले ही डालें ये डालना, टमाटर अगर पहले डाल दिए तो क्या होगा, फिर इसको प्याजों को अच्छे से मिक्स नहीं होने देंगे, वो फिर अच्छे से ग्रेवी नहीं बनेगी। अब इसमें डाल रहे हैं टमाटर का पेस्ट, ये तकरीबन 1 कप है, जैसे 3 से 4 टमाटर चाहिए थे ना, डाइन अच्छे से मिक्स करना है। इसे भूनेंगे हम हल्की आँच पर तकरीबन भी 4 से 5 मिनट के लिए जी। अभी हमारा मसाला रेडी है, अब इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसे पकने देंगे, पकने के बाद इसमें फिर कोस्टर डालना है, ये हमने कवर कर लिया और हम इसे पकने देंगे कि जो पानी पकने लग गया। अब क्या आँच हल्की करके डालना है इसमें, हमें कुछ लोग फ्राई करके भी बनाते हैं ना, ये फ्राई किए बगैर, ये फ्राई किए हुए बगैर तो उसका जायका ये है, मतलब टेस्ट किसका ज़्यादा अच्छा होता है? इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट, इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, ये पानी खुश्क हो जाए, इनका पानी खुश्क हो जाए, थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए बस, है ना, बस खुश्क होना शुरू हो जाए, इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, चम्मच अब इसमें बिल्कुल नहीं हिलाना, थोड़ा सा इसको डिप तो करेंगे ना अंदर, ये थोड़ा सा इसको डिप करेंगे,
हल्का सा इसे बस हिला के, चम्मच बिल्कुल नहीं फेरना अभी से हमने खुश्क होने के लिए। अब ये थोड़े से गल गए हैं, अब हमने इसमें चम्मच फेरने। अब जो है ना चम्मच जब हम मिलाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं, है ना। चम्मच के बड़े प्यास होते हैं ना ताकि ये टूटे ना, ये फ्राई नहीं है इसलिए, लेकिन इनका टेस्ट फ्राई से ज़्यादा अच्छा होगा। बस थोड़ी देर खुश्क होने के बाद जितना भी ज़रूरत पानी डाल, जितना भी ज़रूरत हो। वैसे ये ग्रेवी वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर अब जो है ये बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन एक कप तो होगा ना, थोड़ी सी ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। और जब ये पानी पकेगा, जैसे ही पानी पकना स्टार्ट होगा, कोफ्ते तैयार है। उसके बाद हमने एंड में जीरा और मसाला डालेंगे। ये जीरा डाला है और ये हमारे बहुत ही मज़े के कोफ्ते तैयार है।